बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। अच्छा भाई, जो स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के हैं, उनके एग्ज़ामिनेशन फॉर्म वेबसाइट पर जाकर कैसे फ़िल करना है वो तरीका पूरा ध्यान से देख लें। सबसे पहले गूगल है या क्रोम है, जो भी आपके पास अवेलेबल है, आपने उसके सर्च बार पर जाना है। जैसे यहाँ मैं आपके सामने गूगल के सर्च बार पर हूँ, यहाँ पर मतलब इस तरह से आपने ऐप खोल लेना है। और इस पे आपको जो है लिखना क्या है, BIEK, यानी BIEK, ये इंटरमीडिएट का बोर्ड है, बोर्ड मतलब इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची, ठीक है। ये आप लिखेंगे और इसको जब सर्च करेंगे तो आपके पास जो है आइकॉन में नई चीज़ें ये खुल जाएंगी। तो सबसे ऊपर ही जो है बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची जैसे लिखा हुआ आ रहा है, आप इसी पे क्लिक कर देंगे। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक ऐसी विंडो खुली हुई आ जाएगी, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची। यहाँ सबसे ऊपर देखें, राइट साइड पर तीन बार दी हुई है ब्लैक कलर की, रेड आइकॉन के अंदर तीन बार हैं नज़र आ रही होंगी ब्लैक कलर की, ठीक है। आपने इस पर जाकर क्लिक करना है। आप जब इस पर जाकर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है एक नई विंडो खुल जाएगी और उसके अंदर जो है आपकी तमाम चीज़ें, जैसे कि यहाँ पर देखें, होम, अबाउट अस, मिसलिनियंस, एग्जामिनेशन, डाउनलोड फॉर्म्स। हमें चूँकि फॉर्म्स चाहिए तो हम डाउनलोड फॉर्म्स पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप यहां पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नई विंडो खुलेगी जिसमें आ जाएगा डाउनलोड फॉर्म्स, एग्जामिनेशन फॉर्म्स, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, डुप्लीकेट टेस्टिमिनल्स फॉर्म्स और स्क्रूटरी फॉर्म्स, मतलब इस तरह के मुख्तलिफ फॉर्म्स हैं, ये आप देख लें। हमने जो है एग्जामिनेशन फॉर्म को क्लिक करना है। जैसे ही हम एग्जामिनेशन फॉर्म को क्लिक करेंगे तो तमाम फैकल्टीज़ के फॉर्म्स जो हैं वो सामने आ जाएंगे। इनको आपने यहाँ से डाउनलोड करना है। आप 1 से लेकर 18 तक हैं, आप किसी जो भी आपको रिलेटिव फॉर्म्स हैं वो आप यहाँ से ले सकते हैं। जैसे मैंने मुख्तलिफ फॉर्म्स जो हैं डाउनलोड किए हैं यहाँ से, वो भी मैं आपको आगे चलकर दिखाता हूँ। लेकिन मेन यहाँ यही चीज़ समझानी थी कि जो भी फॉर्म आपको चाहिए होगा वो आप यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे और डाउनलोड करने के बाद आप अपने पास उसको मतलब अपने राइटिंग बार पर लाकर, जहाँ आपने इसके अंदर राइटिंग कर सकें वहाँ आपने ले आना है। और इस तरह ये देखें, ये अब मैंने अलग अलग फॉर्म्स हैं, ये प्री मेडिकल PM11 आ रहा है, प्री मेडिकल, ठीक है, F33 का फॉर्म है ये। तकरीबन चीज़ें सब यही हैं, लेकिन फॉर्म आपने अपना रेलिवेंट लेना है ताकि आपको नीचे जो सब्जेक्ट्स आ रहे हैं वो इजी हो जाएं। उसके बाद ये मैंने कल आप लोगों को अहदनामा बताया था, इस तरह का अहदनामा होगा, वहाँ सिर्फ आपको दस्तखत करने हैं। और नीचे सरबरा इदारे का सदाकत नामा, यानी जो आपका प्रिंसिपल है वो आप यहाँ पे इसको फ़िल कर देंगे, अपना नाम वगैरह ये वो, तो वो इसको वेरीफाई कर देगा कि बच्चे के जो डॉक्यूमेंट्स या चीज़ें हैं ये सब ठीक हैं। फिर इसी तरह यहाँ पे मैंने तमाम जो फॉर्म्स हैं उनकी पिक्स लगाई हैं, जैसे प्री इंजीनियरिंग का है PE11 F35, ठीक है, वो है। फिर उसके बाद जो है कॉमर्स रेगुलर है, ये आपके सामने है, फर्स्ट ईयर का कॉमर्स रेगुलर। फिर कॉमर्स प्राइवेट भी यहाँ पर मौजूद है, और ये लगा दिए। इसी तरह जर्नल साइंस का, यानी जिसको हम कंप्यूटर साइंस भी कहते हैं, उसका फॉर्म भी अवेलेबल है। अच्छा, ये जो है ये फ़ीस वाउचर हैं, मतलब UBL बैंक में पेड करवाने के लिए, उन बच्चों के लिए जो प्राइवेट कॉलेजेस में पढ़ते हैं, जिनकी फ़ीस भी मैंने बताई थी 3100 है, वो ये ऐसा फॉर्म ये भी कर, यानी इसको भी डाउनलोड कर लेंगे और उसके अंदर जो है फीसेज वगैरह लिख कर ये UBL में आपको सबमिट करानी है। लेकिन जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं वो चूँकि फ्री हैं तो उनको इस फॉर्म की ज़रूरत, यानी वाउचर की ज़रूरत नहीं है। तो ये मेन पूरा तरीका था जो आप लोगों को मैंने समझा दिया। बच्चे बार बार पूछ रहे थे फॉर्म कहाँ से मिलेगा, तो भाई फॉर्म जो है BIE की वेबसाइट पर मौजूद है, आपने डाउनलोड करना है। लेकिन ज़रूरी ये है कि सिर्फ कॉलेज से आप थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ये ले लें कि सर हम वहाँ पर उसको डाउनलोड करके फ़िल करके उसी तरह उसका PDF लेकर आएँ जैसे हम इनरोलमेंट फॉर्म का लाए थे। और जो चीज़ें रिक्वायरमेंट हैं वो फॉर्म के अंदर भी लिखी हुई हैं और मैंने भी कल आप लोगों को अलग से बता दी थी। तो बस आप एक बार कॉलेज से कंफर्म कर लें कि सर आप हमें जो है फिज़िकली कॉलेज में ही प्रोवाइड करेंगे या हम वेबसाइट से डाउनलोड कर लें और उसको फ़िल करके PDF की शक्ल में आपके पास लाकर सबमिट करवा दें। बहरहाल तरीका यही ऑनलाइन का ही है, आपको इसी तरह PDF सबमिट करवाना होगा। तो ये इसका पूरा प्रोसीजर था। अगर अब भी कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा।
इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।